गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, श्रम प्लीज। अच्छा, क्लास सेवन हिंदी फर्स्ट। अभी तक तुम लोग को मैंने जो करवाया था वो क्या था बोलो। इसके पहले का जो चैप्टर मैं करवाया था अखबार की दुनिया, अब श्रेणीगत मूल्यांकन के विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ। आगे के पढ़ाई में तुम लोग को इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा। जो तुम लोग इंग्लिश में करते हो एक पैसेज राइटिंग, पैसेज राइटिंग के बाद उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर करते हो। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी ये मूल्यांकन होता है। इसके पहले आप लोग को होमवर्क मैंने दिया था, आशा कर रहा हूँ कि तुम लोग कर लिए होगे। और आज मैं होमवर्क ही दूंगा जो 40 नंबर का होगा। पहला टाइम रहेगा 2.5 घंटा, घर में बैठकर एक तरह से खुद का परीक्षा खुद से लोगे। एक कहानी, छोटा सा कहानी या एक पैराग्राफ दे दिया गया है, पर उस पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक समाज में उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों के पालन से सुव्यवस्था बनी रहती है और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उन्नति करने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार के नियमों का पालन अनुशासन के अंतर्गत में आता है। समस्त प्रकृति हमारे सामने अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करती है। मनुष्य ने जब अनुशासन को समझा तभी वह सभ्यता एवं उन्नति की ओर अग्रसर हो सका। अनुशासन के बिना सामाजिक व्यवस्था भी कायम नहीं रह सकती। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनुशासन आवश्यक है। खेलकूद, पढ़ाई आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन और श्रम के बल पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों के जीवन में तो अनुशासन का विशेष महत्व है। जो विद्यार्थी समय से अपने सारे कार्य को करता है और अनुशासन में रखकर पढ़ाई करता है वह सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थी जीवन को अनुशासन का पर्याय कहना गलत ना होगा। अनुशासित विद्यार्थी ही सभी का प्रिय होता है। अनुशासन का प्रारंभ परिवार से होता है, विद्यालय में इसका विकास होता है। सच्चा अनुशासन मनुष्य की पुष्टता से ऊपर उठाकर मनुष्य बनाता है। अनुशासन ही वह सेतु है जिस पर चलकर मनुष्य सफलता की प्राप्ति करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण और उद्देश्यहीन हो जाता है। अनुशासन सामाजिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं। हमें स्वयं अनुशासित रहते हुए दूसरों को भी अनुशासित रहने हेतु प्रेरित करना चाहिए। यानी समय के मूल्य को समझकर हमें अनुशासन पालन करना चाहिए। अनुशासन का आरंभ हमारे घर में परिवार से होता है। जो बच्चे जो का पहला विद्यालय होता है, बच्चों को अनुशासन परिवार से सिखाया जाता है। वही बच्चे जब विद्यालय जाने लगते हैं तो उनका उस अनुशासन का विकास किया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में मैंने देखा है कि घर में अनुशासन तो नहीं है। कितने बच्चों को मैं देखता हूँ जो घर में अनुशासनहीन हैं, उनकी विकास संभव नहीं है। बच्चों
अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि मैं नियम अनुशासन नियम पे खाली सोकर उठ गया बस, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन का अर्थ है हमें बड़ों के प्रति मान सम्मान को रखना, समय पर सोकर उठना, समय पर खेलना, समय पर पढ़ना, समय पर सभी कुछ समय अनुसार करना चाहिए। जो अनुशासित होते हैं उन्हें घरों से ही नहीं बाहर में भी सम्मान मिलता है, और जो अनुशासनहीन होते हैं कुछ दिन तो मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बाप बच्चा बहुत प्यारा है, वो अनुशासन को प्यारा है, धीरे धीरे वो बिगड़ने लगता है, और बिगड़कर ऐसा बिगड़ता है कि माँ बाप को भी सम्मान नहीं करता, समाज को भी सम्मान नहीं करता, और वो दंड बन जाता है। इसलिए मैं तुम लोग से पहला ये कहूँगा, अनुशासन सीखो। अनुशासन पढ़ाई का सर्वप्रथम अक्षर है। बिना अनुशासन तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इससे कुछ क्वेश्चन है, नियम बनाने का क्या लाभ है? समाज सुचारू रूप से चलता है या समाज में व्यवस्था ठीक बन जाती है, उन्नति की रास्ता बनता है, या ये सभी लाभ है? सभी लाभ है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? वो समय से सारे कार्य कर पाता है, सफलता पाने के लिए, सभी प्रयोग बनने के लिए, अध्ययन के लिए, सफलता पाने के लिए। इसी तरह इस चैप्टर को तुम लोग कर लोगे, क्या होता अगर समाचार पत्रों में लोग विज्ञापन ही नहीं देते? समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देने से क्या होता? हम किसी वस्तु के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, हम यह नहीं जान पाते कि कौन सी वस्तु कैसी है। जस्ट ये रुमाल, अगर ये अच्छा कंपनी का है, अच्छा चलता है, तो ये विज्ञापन के द्वारा ये भी मालूम होता है। वैसे ही आज से लगभग 10 महीने पहले हम लोग सैनिटाइजर से हाथ धोना, मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक COVID-19 ने हमें ये सब सिखला दिया। आज बिना मास्क पहनकर बाहर निकलो तो पब्लिक पकड़ता है, पुलिस पकड़ेगा तो फाइन लेगा, घर से निकलो तो मम्मी पापा बोलेंगे मास्क पहन कर निकलो। इसीलिए ये अनुशासन ही है। तो इस समाचार पत्र ये सब विज्ञापन है। निम्नलिखित परिभाषित लिखना, समानार्थी शब्द लिखोगे और इसका निबंध वंद जो है उस सबको क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं जो चैप्टर कराऊंगा वह 11 नंबर चैप्टर साक्षात्कार द्विवेदी जी से, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। एक क्वेश्चन करके रखो इधर से, मैं जब क्वेश्चन मंगाऊंगा तो चेक करूंगा। और घर में रहते हुए में अनुशासन को मानते हुए पढ़ाई को पूरा करो, क्योंकि समय बीत रहा है। कहा गया है समय के महत्व को समझो, आज करे सो अब कर, ये वाला कहावत कबीर दास जी का आप लोगों ने सुना होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बावरी करेगा कब। एक ये है, यानी कल का काम को आज करो, आज के काम को अभी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पल में क्या हो जाएगा। और अनुशासन और प्रेम एक ऐसा चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसे बनाने में बहुत समय लगाता है, ठीक है। रहीमदास जी का ये दोहा है, रहीमन धागे प्रेम का मत मारो चटकाए, टूटे बाद फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए, ठीक है। तो यह सब समय के महत्व को समझकर प्यार से आगे बढ़ो, ठीक है। अगर एक बार तुम समझ लोगे लोगों के नज़र में दौर हुआ अनुशासन में नहीं रहता है
तो तुमसे लोग दूर रहेंगे। इसलिए बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके भाई, मैं चलता हूँ, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए भाई।